हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स स्टूडेंट। जिस प्रकार से हमने कार्बन नाइट्रोजन चक्कर को कंप्लीट किया था, उसको पूरा समझा था, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़े थे, ठीक है, उसी प्रकार से आज एक इंपॉर्टेंट चक्कर और पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। स्टूडेंट, कार्बन नाइट्रोजन और प्रोटॉन प्रोटॉन दो प्रकार के चक्कर और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के रिलेटिव पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने कार्बन नाइट्रोजन को कंप्लीट समझा, उसको मतलब रटा नहीं, ठीक है, और इसको हमने रिजल्ट से हमने शो किया, उसी प्रकार से अपन आज क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर को। देखिए, कुछ हिंट मैं अलग से लिखाऊंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मतलब एक सिंपल वे जिसको आप समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहले वापस देखिए, इसमें चार प्रोटॉन मिलकर, देखना वही बात है, चार प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे, चार प्रोटॉन मिलकर हीलियम नाभिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हीलियम नाभिक बनाते हैं। पहली बात, चार प्रोटॉन अब कैसे मिलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आप मेरे पे छोड़ दो। देखिए, हीलियम नाभिक क्या है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोटॉन कहाँ पर भी है मैं आपको बता दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, इस चक्कर में, कौन से चक्कर में सर जी, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में एनर्जी एनर्जी उतनी ही रिलीज होती है, एनर्जी उतनी ही मुक्त होती है, मुक्त होती है जितनी जितनी किसमें होती है स्टूडेंट, कार्बन नाइट्रोजन चक्र में। अर्थात कार्बन नाइट्रोजन चक्र और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, दोनों चक्र में जो एनर्जी रिलीज करते हैं ना, वो सेम करते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। पर आपके माइंड में ये आ सकता है कि तो सर अपन दो को क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक सूर्य पे होती है और दूसरी सूर्य पे नहीं होती। सूर्य पे कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती, सूर्य पे कार्बन नाइट्रोजन चक्र नहीं होता, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहले अपन पढ़ते हैं इनको इक्वेशन से, आपको इक्वेशन समझा दूंगा और साथ में साइकिल समझा दूंगा, आपको रटने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन में क्या हो रहा है, सर पहले इक्वेशन में दो 1H1 आ रहे हैं, अब कहाँ पे आ रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है, पहले तो ये। दूसरी बात ये, आपने सर क्या लिख दिया, चार प्रोटोन मिलकर, बताओ चार प्रोटोन कहाँ पे है, तो 1, 2, 3, 4 लिख भी दिए हैं मैंने, ठीक है। मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम नाभिक, क्या बनाएंगे, हीलियम नाभिक। ये लीजिए भाई आपका हीलियम नाभिक बन गया, ठीक है सर। अब ये बनता कैसे है उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ो, मैं बताऊंगा आपको, देखिए कैसे। अच्छा, दो प्रोटॉन आ रहे हैं, अब देखो ढूंढते हैं अपन कहाँ आ रहे हैं, एक प्रोटोन ये, एक प्रोटोन ये दो प्रोटोन, और नीचे वाला एक प्रोटोन ये और एक ये प्रोटोन, दो प्रोटोन मिलकर क्या बना रहे हैं, तो आपको बस इतना ही देखो, दो प्रोटॉन मिलकर बना क्या रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 इधर देखो 1H1 है क्या, 1H1 दिखाई है दे रहे ना, तो ये दोनों मिलकर 1H1 और 1H1, उस तरह भी 2 1H1 लिखा है ना, तो मतलब दो तो ये और दो ये मिलकर क्या बनाएंगे, 1H2, देखो एक 1H2 इसका, एक 1H2 इसका, तो कितने बने, दो, तो देखो वहाँ पे 2 1H2 लिखा है, और इसी के साथ साथ दो पॉजिट्रॉन भी लिखे हैं, तो दो पॉजिट्रॉन कौन से, एक तो सुंदर सा पॉजिट्रॉन एक ये, और दूसरा पॉजिट्रॉन एक ये वाला, तो कितने बना दिए, दो पॉजिट्रॉन दिख रहा है, एक न्यू और एक न्यू, कितने न्यू, दो न्यू, तो दो पॉजिट्रॉन दो न्यू और दो 1H2 दिखाई दिया ना सर, देखो दो 1H2 दो न्यू दो पॉजिट्रॉन, कहाँ तक अभिक्रिया कंप्लीट हुई सर, हमारी अभिक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हुई, बस यहाँ तक, आगे ये नहीं कहेंगे कि ये आगे जुड़ रहे, अभी तक यह बनाया ये बनाया, फिर आगे देखते हैं तो 1H2 के साथ कौन जुड़ रहे हैं, दो 1H1, एक तो ये वाला 1H1 और दूसरा ये वाला, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ध्यान से समझिए वापिस, ये दोनों जुड़ रहे हैं 1H2 पे जुड़ रहे हैं सर, क्या बना रहे हैं, 2H3, इसका मतलब दो 2H3 क्या बना रहे हैं, हाँ सर दो 2H3 बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, दो गामा, क्या बना रहे हैं, दो गामा, अर्थात गामा तो अब किरण है, किरण को तो दिखाएगी नहीं, लास्ट में भी नहीं दिखाया था, ठीक है ना, तो कितना मिल गए, दो गामा बन गए, दो गामा निकल गए, और एनर्जी कितनी निकली, एनर्जी निकली 11.04 मेगावाट, और पहले वाले में 0.84 मेगावाट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे स्टूडेंट, अभी तक हम पहुँचे यहाँ तक, इन सबको यदि मैं बांटूँ स्टूडेंट आपको बहुत शानदार समझ में आएगा। देखिए, इसको मैं फर्स्ट स्टेप बोल दूँ, ठीक है, इसको मैं बोल दूँ सेकंड स्टेप, ये लो, अब आप कभी बोलोगे ही नहीं, ये लो, तो ये कौन सा बच गया स्टूडेंट, थर्ड स्टेप बच गया ना, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप को देखते हैं, रिएक्शन इधर अपने आप बन जाएगी, देखिए कैसे, थर्ड रिएक्शन में ये 2H4 है,
ये 2H3 है ना, टूट रहा है 1H1 और 1H1 में, देखो तो 2H3 ये रहा है ना, ये टूट रहा है किसमें, दो 1H1 में, हाँ सर टूट रहा है, और क्या जुड़ रहा है, एक 2H4, ये लो सर 2H4, लेकिन 2H3 थे कितने, दो, तो इनको अलग अलग लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, दोनों मिलके एक 2H4 और दो 1S1 में टूट रहे हैं, और एनर्जी कितनी रिलीज कर रहे हैं, 12.8 मेगावोल्ट। अब एक बात बताइए, हमने पहले ही लिखा था कि इसमें और इसमें एनर्जी जो मिलेगी वो क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, अर्थात 24.68 मिल रही है क्या, मिल रही है, पहली वाली बात। और एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है मैंने यहाँ पे, अब आप देखो मैंने ये क्या लिखा है, देखो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए जिस प्रकार से कार्बन नाइट्रोजन चक्र का जो रिजल्टेंट इक्वेशन था उसको और इसको आप मैच कराओ, आपको आप पाओगे कि वाह सर ये तो पहले वाले से बिल्कुल सेम है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर तो कार्बन नाइट्रोजन चक्कर में, और बात सही भी है, बस उसमें कार्बन नाइट्रोजन किसका काम करता है, उत्प्रेरक का, और तो वो तो सर उसमें भी नहीं लिखा था, क्योंकि उत्प्रेरक करते क्या है, अभिक्रिया की स्पीड को कम ज़्यादा कर देते हैं, और जब अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो साइड से हट जाते हैं, है कि नहीं, ये तो करते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो सेम कार्बन नाइट्रोजन की क्या है, रिजल्टेंट इक्वेशन है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखिए ये दोनों मिलके आए, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, अलग अलग आए तो तीन तीन या डेढ़ डेढ़ नंबर में बन जाएगा, तो फायदा ही फायदा है अपन को, यदि केवल रिजल्टेंट ये क्वेश्चन पूछे तो दोनों के लिए सेम है, परिभाषा पूछे तो हमने आ गई, ठीक है। उसकी परिभाषा क्या थी कार्बन नाइट्रोजन चक्र की, चार प्रोटोन मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, और ये इसी की परिभाषा क्या बनेगी, ये कि चार प्रोटोन मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, दोनों में एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, किसके बारे में, प्रोटोन प्रोटोन चक्र के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कुछ शानदार चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत शानदार। देखिए कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट में हो गया। अब अपन बात करते हैं सूर्य भगवान की, किसकी, सूर्य की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट अपन सूर्य के ताप की, सन, ये लीजिए सूर्य। अब सूर्य है ना, उसका टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन रहता है, कितना, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन रहता है। अब ये टेम्परेचर पे कौन सी अभिक्रिया होती है पता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर वाली। इसका मतलब सूर्य पे जो एनर्जी मिलती है, जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें कौन सा चक्कर यूज होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर यूज होता है। कोई कंपटीशन छोटे एग्जाम में पूछ, पहली बात इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हाँ सूर्य का टेम्परेचर इतना और इस टेम्परेचर पे जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब जो हीलियम हाइड्रोजन के नाभिक है वो कन्वर्ट होके किस में बदल रहे हैं, हीलियम में। बहुत शानदार चीज़ है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट किस में, हीलियम में, किस में, हीलियम में। अब एक बात बताओ, यदि सूर्य पे हाइड्रोजन ख़त्म हो जाए तो क्या हीलियम पैदा होगी, नहीं होगी। अब आप जानते हो कि जैसे जैसे हाइड्रोजन रिलीज करता है तो नाभिकीय संलयन में जो परिणामी द्रव्यमान आता है वो पहले वाले के क्या आता है, कम आता है। इसका मतलब सूर्य का द्रव्यमान लगातार घट रहा है, समझना, मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसका मतलब सूर्य का द्रव्यमान, थोड़ी राइटिंग खराब है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, लगातार लगातार घट रहा है, घट रहा है, पहली बात। इसका मतलब प्रति सेकंड सूर्य क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है, पहली बात। अब कितनी देर से हो रहा है ये भी पता है क्या आपको, कि 4×10⁻⁹ kg, ये लीजिए 4×10⁻⁹ kg पर सेकंड, बहुत ज़्यादा होता है। इस सेकंड से सूर्य का द्रव्यमान लगातार लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इससे जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है समथिंग 4×10⁻⁶ जूल में रहेगा, 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। देखिए इतनी एनर्जी प्रति सेकंड सूरज हमको क्या दे रहा है, दे रहा है, और इसी रफ्तार से सूर्य का द्रव्यमान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, द्रव्यमान कम हो रहा है, ठीक है, तो अब द्रव्यमान कम होगा तो सूर्य क्या हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता कि सूर्य का जो द्रव्यमान है और जितना कम हो रहा है वो उसका बहुत बहुत कम गुना है। आप देखोगे तो आपको पाएगा कि बहुत रेयरली क्या होता है, मतलब जो ये
द्रव्यमान जो कम हो रहा है ना, वो जो कंप्लीट सूर्य का द्रव्यमान है उसका बहुत कम है, बहुत कम है। तो बहुत कम है इसका मतलब ये है कि अगले इतने टाइम तक सूर्य कंटिन्यूस अपन को क्या देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा। 3×10^8 वर्षों तक सूर्य लगातार हमको क्या देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा। उसके बाद सूर्य क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब ये टाइम क्या है, बहुत बड़ा टाइम है। समझ में आया स्टूडेंट? बहुत सा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सूर्य का द्रव्यमान लगातार घट रहा है। किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से। और जो द्रव्यमान का घटना, वही उसका क्या है, एनर्जी का सोर्स भी है। क्यों? क्योंकि यदि वह द्रव्यमान कम नहीं करेगा तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा। अपन यदि हाइड्रोजन की मात्रा को देखें तो सूर्य हमें 3×10^8 वर्षों तक लगातार क्या देगा, एनर्जी देगा। तो ये चक्कर थे स्टूडेंट दो, पहला कार्बन नाइट्रोजन और दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर। आई होप स्टूडेंट आपको ये साइकिल समझ में आया होगा, आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे वो पता चले होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा टॉपिक। ठीक है, तो फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स, कोई भी ऐसे रह जाता है कि सर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकते हैं क्या, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके या आप मेरे को SMDT जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मेन पर्पज़ ये है स्टूडेंट कि एग्ज़ाम से रिलेटिव इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, तो मैंने इनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डालने की कोशिश की ताकि आप इनको समझ पाओ, क्योंकि काफ़ी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। ठीक है, काफ़ी कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले रिएक्शन लिखी है। मैं चाहता तो मैं सीधे करवा सकता था पर नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि आप कार्बन नाइट्रोजन और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप साथ में ध्यान में रखो ताकि आप विद इन 1 और 2 स्क्रीनशॉट में आप दोनों साइकिल क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। ठीक है, आई होप स्टूडेंट अब आपको वीडियो समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको वीडियो समझ नहीं आता हो या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।